सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। तीन बार रेप और वीडियो कॉल पर छात्रा के कपड़े उतरवाता था स्कूल का प्रिंसिपल, अब मिली ये सजा। यूपी के कानपुर में इंटर की छात्रा से रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल को 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 3 साल पुराना है। छात्रा को टीसी देने के लिए आरोपी लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था। कानपुर में छात्रा से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल की सजा सुनाई। इंटर की छात्रा को टीसी देने के लिए उसका यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को कानपुर की एडीजे 13 की अदालत ने सजा दे दी है। दोषी पाए गए प्रिंसिपल ने छात्रा का रेप ही नहीं किया था, बल्कि उसे वीडियो कॉल कर रात में कपड़े उतरवा कर देखता था। छात्रा के वकील ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सारे सबूत अदालत में पेश किए हैं, जिसके बाद जज ने छात्रा की गवाही को सही मानकर प्रिंसिपल को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला करीब 3 साल पुराना है। कानपुर के नौबस्ता थाने में 5 सितंबर 2020 को एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव के खिलाफ उनके ही स्कूल की इंटर पास छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था। अवधेश सिंह प्रिंसिपल के साथ साथ स्कूल के मालिक भी थे। उनका स्कूल कानपुर में काफी मशहूर है। इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।